कांग्रेस नेता व्यापारियों की आड़ में भाजपा को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, लेकिन अब वे अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सकेंगे। ये बात सोलन भाजपा जिला अध्यक्ष आशुतोष वैद और मंडल अध्यक्ष मदन ठाकुर ने कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का सबसे पहला लक्ष्य कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करना था। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की दूरगामी सोच और कठिन निर्णय की वजह से इसे काफी हद तक नियंत्रित भी कर लिया गया है। कोरोना संक्रमण के मामलों में काफी कमी आई है, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री द्वारा आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया गया है, व्यापार खोल दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता अपने सोच को बदलें और सहयोग की राजनीति करें ताकि इस कोरोना संकट को खत्म किया जा सके। उन्होंने कांग्रेस नेताओं को आगाह करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार किसी के दबाव में काम नहीं करती है, वे केवल प्रदेशवासियों की सुरक्षा करना चाहती है। कर्फ्यू के समय में उद्योग चल रहे थे, निर्माण कार्य चल रहे थे, अब बाजार खोल दिए गए हैं ताकि व्यापारियों को किसी तरह की दिक्कत ना हो, लेकिन कांग्रेस नेता अगर इसी तरह से गलत बयानबाजी करते रहे तो उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ सकता है। वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर जिस प्रकार से नकारात्मक राजनीति कांग्रेस कर रही है, मैं कहता हूं ये बहुत दुखद है। इस स्थिति में जब पूरा देश, पूरा समाज इस आपदा और संकट से जूझ रहा है, उस वक्त ये राजनीतिक गिद्ध इसमें भी राजनीति ढूंढ रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जयराम जी ने व्यापारियों की समस्याओं को समझा, औद्योगिक क्षेत्रों को इसको पहले से ही आदरणीय प्रदेश सरकार ने, हमारे आदरणीय जयराम जी ने राहत दी थी। इंडस्ट्री काम चलते रहें, कंस्ट्रक्शन के काम चलते रहें, जो जो समय पर जिस तरह से लॉकडाउन को खोलने की आवश्यकता पड़ी उस तरह से सख्ती भी बनाई गई और खोलने की जहां जब आवश्यकता की पड़ी उसको खोलने का प्रयास भी किया। मैं कहता हूं कि ऐसी स्थिति में हमारे को नकारात्मक राजनीति ना करके उल्टा सहयोग की राजनीति करनी चाहिए। ये सामाजिक आंदोलन और सहयोग के बिना, कोविड जैसी महामारी और आपदा से इसके बिना नहीं निपटा जा सकता। और कुछ लोग जो इस पर राजनीति कर रहे हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके मानव सेवा के लिए अगर अपना हाथ बढ़ाएंगे तो अच्छा रहेगा। ये विकट परिस्थितियाँ हैं, इसमें राजनीति करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रदेश सरकार जो है वो सबके हित में काम कर रही है और जैसे जैसे परिस्थितियाँ हैं उस अनुसार जो है प्रदेश सरकार जो है निर्णय कर रही है और प्रदेश सरकार किसी भी दबाव में नहीं है। और हमारी प्रायोरिटी जो है वो जनता की हिफाजत है, उसके लिए समय पर अगर हमें कोई निर्णय लेना पड़ा तो हम उसके लिए लेंगे, लेकिन जनता की हिफाजत पहले है।